How the common people reacted to the budget, our correspondent Shyam Sundar gets us the latest. सुखबीर सिंह जी, खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाने की बात वित्त मंत्री जी ने कही है। इसके बारे में हम वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। किसान की आमदनी भी डेढ़ गुना ही बढ़ेगी और आगे भी भविष्य में भी ऐसे ही करते रहे सरकार के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। विक्रम सिंह जी, कई और बड़ी घोषणाएं की हैं, मसलन पहले क्रेडिट कार्ड सिर्फ किसानों को मिलता था जिनके पास जमीन होती थी, अब जो पशुपालन करते हैं उनको भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा किसानों का, इसको किस तरह से देखते हैं? ये हम सरकार का धन्यवाद करते हैं इस बारे में, जो कि भूमि किसान को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया है, जो कि अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके दुधारू पशु पालन करके अपना खर्चा चला सके, इसके लिए हम अरुण जेटली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो संजू, आपको बजट में कौन सी ऐसी घोषणा जो खेती किसानी के लिए की गई है जो आपको सबसे बेहतरीन लगी? ऐसा है, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, ज्यादा फोकस किसानों पे रखा अब की बार बजट में, और जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो डबल डबल घोषणाएं की हैं, जो डबल बजट बताया है, जैसे प्रोसेसिंग वाला है उसमें फूड प्रोसेसिंग वाला है उसमें 700 से 1400 करोड़ कर दिया है, और ये जो बिचौलिया जो ई मंडी वाला सिस्टम किया है उससे तो बहुत ही फायदा किसानों को मिलेगा। बहुत अच्छा बजट है हमारे लिए, तो किसानों के लिए पहली बार ऐसा बजट खुल के आया है। सर, मेरा नाम कपिल है। जी कपिल जी, आप बजट की घोषणाओं को किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये किसानों की हालत को बदलने वाला बजट होगा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि ई मंडी की सहायता से, मतलब जैसे हम लोग आड़ती का सहारा लेते थे, वो आड़ती का सहारा अब नहीं रहेगा और सीधे हम अपनी भाव मंडी में फसलें आराम से बेच पाएंगे और उससे काफी मदद मिलेगी। जी यहाँ जी सरकार के इस फैसले से हम काफी एग्री हैं। अच्छा पुष्पलता जी, जो फसलों के दाम डेढ़ गुना करने की बात कही है और उसके अलावा भी और कई घोषणाएं की हैं, किस तरह से देखती हैं बजट को? सर, सरकार ने देर से सोचा लेकिन दुरुस्त सोचा, इसके लिए हम सरकार को, मंत्री जी को धन्यवाद बोलते हैं।